संजय गांधी निराधार योजना के तहत बेसहारा विधवा महिलाओं को हर माह मिलने वाली राशि पिछले कई महीनों से नहीं मिल पा रही है। इस बात को लेकर संजय गांधी निराधार योजना कार्यालय के सामने महिलाओं ने अपना रोष व्यक्त किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में निराधार महिलाएं मौजूद थी। सरकार की यूं तो कई योजनाएं हैं जिसका लाभ शहर के बेसहारा और विधवा महिलाएं उठा रही है। इस योजना का नाम संजय गांधी निराधार योजना है। इस योजना के तहत कई बेसहारा विधवा महिला इसका लाभ तो जरूर उठा रही है, लेकिन प्रशासन के उदासीन रवैये की वजह से अब तक के हजारों महिलाएं हर माह में मिलने वाले संजय गांधी निराधार योजना से वंचित है। संजय गांधी निराधार योजना कार्यालय के सामने में दिख रही ये महिलाएं शहर के दूरदराज परिसर से आई हुई है। योजना का लाभ लेने के लिए सुबह से ही महिलाएं कतार में खड़ी है। इनमें से अधिकतर महिलाओं को हर माह 600 रुपए दिया जाता था, जो कि लॉकडाउन में 1000 रुपए का आंकड़ा भी हुआ था। लेकिन अफसोस कि आज भी शहर की विधवा महिलाएं इस योजना का लाभ लेने के लिए जदोजहद कर रही है। पिछले कई वर्षों से इन निराधार महिलाओं के हर माह योजना के 1000 रुपए नहीं मिल रहे हैं, जिससे बेसहारा निराधार विधवा महिलाओं में तीव्र रोष व्याप्त है। इंतकाल हो गया है मेरे आदमी का, 12 साल हो गए हैं, अभी बनाने को सिर्फ 6 साल हो रहे हैं। 600 रुपए महीना आता था, फिर लॉकडाउन में 1000 रुपए महीना आया, पर अक्टूबर से नहीं आया पैसा, तो उसके लिए नहीं क्या काफ़ी चक्कर लगा रहे हैं। 2-3 बार में पता ही नहीं चलता किधर जाना, किसके पास जाना, इधर से उधर, उधर से उधर, कुछ समझ में नहीं आता। डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, रख देते हैं, फिर कभी उधर जाओ, कभी इधर जाओ, इसमें 15 दिन से घूम रहे हैं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अभी आपने देखा कि विधवा महिलाओं ने अपना पक्ष BCN के समक्ष रखा, तो वही तहसीलदार चैताली सावंत इन्होंने भी BCN समक्ष अपनी बात कही। याचा पूर्वी जो ऑफिस राहायचं तर आपण आतमध्ये लोकल डायरेक्टली यायची, आता आपल्याला 5 पेक्षा जास्त लोक एका ठिकाणी जमा नाही करता येणार, पण हा लोकांपर्यंत मेसेज नाही गेला मेन, त्यांना प्रॉपर वाहतुकीच्या सोयी सुविधा सुद्धा उपलब्ध असल्यामुळे लोकांची गर्दी वाढलेली आहे। त्यांना आमच्या शासन स्तरावर आम्ही सांगत आहोत प्रशासन स्तरावरून की तुम्ही तुमच्यामध्ये प्रॉपर सोशल डिस्टन्सिंग मेंटेन करा, मास्क लावा, परंतु असणारे बरेच लोक हे वृद्ध आहेत, त्यांना आम्ही काय बोलतो ते बऱ्याचदा कळत नाही, किंवा त्यांची चिडचिड झालेली असते, एवढ्या दुरून आलेले असतात, तर त्याच्यामुळे ते असं समजण्याच्या मनस्थितीत नाही आहेत। तरी पण आम्ही प्रयत्न करत आहोत की त्या लोकांमध्ये प्रॉपर सोशल डिस्टन्सिंग मेंटेन करणं, आणि त्यांनी मास्क प्रॉपर लावलेला आहे का नाही याची सुद्धा शहानिशा करणं, लोकांना सारख्या सारख्या सूचना देणं की तुम्ही तुमच्यामध्ये सोशल डिस्टन्सिंग मेंटेन करा, मास्क वरचेवरती लावा, प्रॉपर हात सॅनिटाईज करा। एक तरफ कोरोना महामारी तो दुसरी तरफ भूकमारी है, इनका सामना बेसहारा महिलाएं कर रही है। सरकार जल्द से जल्द संजय गांधी निराधार योजनाओं के लिए पात्र महिलाओं को मदद करे, यही समय की मांग है। कैमरा पर्सन माइकल के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।